नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, हम आपको उनके बारे में कुछ अहम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे चिराग पासवान के पास कितनी गाड़ी है, वो कितनी कंपनियों के मालिक हैं, वो बॉलीवुड को छोड़कर राजनीति में क्यों आए, बॉलीवुड में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे उन्हें अब वापस राजनीति में, यानी जो उनकी विरासत थी उसे संभालने को वो मजबूर हो गए। एक एक कहानी आज हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए और अंत तक देखिएगा। तब चिराग पासवान का जवाब सबको हैरान करने वाला था। चिराग पासवान ने तब कहा कि राजनीति उनके खून में है और बॉलीवुड उनके सपनों में। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉलीवुड में आए हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो राजनीति में चले जाएंगे। और हुआ भी यही, चिराग पासवान इस वक्त जमुई से सांसद है। साल 2019 में जमुई लोकसभा से उन्होंने चुनाव जीता। उससे पहले पहली बार साल 2014 में चिराग पासवान ने जमुई से चुनाव जीता था, यानी ये दूसरा टर्म था उनका सांसद बनने का। और एक ही लोकसभा सीट से वो जमुई लोकसभा सीट। इसके साथ साथ चिराग पासवान, आप सबको पता है कि 2013 के आखिरी दौर में यानी दिसंबर के आसपास चिराग पासवान की राजनीतिक एंट्री हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी, जो उनके पिता यानी रामविलास पासवान की पार्टी थी, आधिकारिक तौर पर दिसंबर, जो मेरे पास आंकड़े हैं, दिसंबर 2013 में चिराग पासवान शामिल हो गए। और साल 2014 में एनडीए के साथ मिलकर उनकी पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, ने बिहार में चुनाव लड़ा और जमुई लोकसभा सीट मिला चिराग पासवान को लड़ने के लिए। आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, उस वक्त उनके प्रतिद्वंद्वी थे उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार के बहुत खास नेता थे, लेकिन चिराग पासवान ने चुनावी नतीजों में उदय नारायण चौधरी को शिकस्त दे दी और जमुई लोकसभा सीट से वो सांसद बन गए। फिर यही हुआ 2019 में, लेकिन 2019 में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं था। एनडीए में रहते हुए सीटों के बंटवारे पर बहुत घमासान छिड़ गया था, क्योंकि 2017 में आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए थे और उस वक्त भी लोजपा को सीट बंटवारे में दरकिनार किया जा रहा था। 18 दिसंबर 2018 को चिराग पासवान का एक ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि अगर सीट बंटवारे पर एक हफ्ते के भीतर कोई फैसला नहीं होता है तो उनकी पार्टी अकेले ही चल पड़ेगी। और इसे ट्वीट के बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी को वैल्यू देना शुरू किया गया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने कम आंकना खत्म कर दिया। उसके बाद चिराग पासवान दोबारा 2019 में जमुई से चुनाव लड़ने उतरे और वो जीत गए। साल 2011 में चिराग पासवान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिले ना मिले हम, और यह फिल्म तकरीबन 13 करोड़ के बजट की थी और पूरी तरह गई थी। यह फिल्म सिर्फ 97 लाख बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन था। इस फिल्म में उनके अपोजिट थी कंगना रनौत, और आपको भी पता है कंगना रनौत का करियर तो ऊपर चढ़ गया, लेकिन चिराग पासवान का करियर धड़ाम से नीचे गिर गया। इसके बाद चिराग पासवान से सवाल पूछे जाते रहे, कहीं उन्होंने कोई गलत तो नहीं चुन लिया, लेकिन चिराग पासवान हर बार सवाल पूछे जाने पर यही जवाब देते रहे कि वो सपनों को पूरा कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करके ही दबलेंगे। और इसके बाद 2013 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि चिराग का भंग हो गया बॉलीवुड से और पूरी तरह से वो राजनीति में आ गए। साल 2019 में ही उन्हें सत्ता मिल गई। अब मैं आती हूँ कि कितनी कंपनियां हैं, कितने करोड़ के मालिक हैं, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चिराग पासवान ने जो अपनी एफिडेविट दाखिल की, हलफनामा दिया है चुनाव आयोग के पास, ये अपने शपथ पत्र में उसके मुताबिक उनके पास 2 करोड़ रुपये, 1 करोड़ 84 लाख रुपये हैं उनके पास और 90 लाख का उनका बंगला ही है। सिर्फ यानी 90 लाख के बंगले में चिराग पासवान इस वक्त रह रहे हैं और उनके पास 1 करोड़ 84 लाख की कुल संपत्ति है। वो 6 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। चिराग पासवान को आप सिर्फ एक नेता के तौर पर आंकने की भूल मत करिएगा। कौन कौन सी कंपनियों में मैं आपको बताती हूँ कि कितने का शेयर है। पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि संकट मोचन एम स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, यह 29 जुलाई 2006 में बनी और इसका काम क्या होता था, यह आप देखिए। इसका काम होता था ट्रेनिंग बिजनेस करना। इसका शेयर है 3,34,000 का शेयर की कीमत है 33,40,000 रुपये। इसके साथ साथ दूसरी कंपनी के चिराग पासवान की एक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 19 मई 2010 में बनी और इसका भी काम था ट्रेनिंग बिजनेस का। इसका शेयर था 5,000 रुपये का, शेयर की कुल कीमत थी 50,000 रुपये। तीसरी कंपनी थी चिराग पासवान की, वो है स्ट्रॉन्ग पार्लर प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम था रियल एस्टेट और रेटिंग बिजनेस। इसके शेयर की कुल कीमत थी 50,000 रुपये और शेयर की कीमत थी 5,000 रुपये। चौथी जो कंपनी है चिराग पासवान की, वो है चिराग रोजगार प्राइवेट लिमिटेड और इसका काम है बिजनेस सर्विस देना। शेयर की कीमत
कीमत 5100 रुपये, कुल शेयर की कीमत 51,000 रुपये, डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इसके शेयर की कीमत थी तकरीबन 50,000 रुपये। टोटल 6 कंपनियों के मालिक हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चिराग पासवान ने नौकरियाँ देने का वादा किया अपने घोषणा पत्र में। अगर आपको याद हो तो ये मैं आपको बता दूँ कि चिराग पासवान की जो कंपनियाँ हैं, चिराग पासवान ना सिर्फ एक अभिनेता है और ना सिर्फ एक राजनेता के साथ साथ वो कई कंपनी के मालिक भी हैं। इसी दौरान वो कहे थे कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो वो चिराग पासवान आने वाले फ्यूचर में लोगों को नौकरियां देने का प्रयास करेंगे। बहरहाल हमने आपको चिराग पासवान के बारे में जानकारी दी, क्योंकि आज के युवा के काफ़ी पसंदीदा होते जा रहे हैं चिराग पासवान। आप देख रहे थे आईवी टीवी, मनीषा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।